12 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ का इंतजार दुनिया भर के सनातनियों को रहता है और प्रयागराज कुंभ के लिए राज्य सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। साथ ही साधु संतों और अखाड़ों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार के कुंभ मेला में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है और सीएम योगी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार का प्रयागराज कुंभ पिछले तमाम कुंभ मेलों से ज्यादा भव्य होगा। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर अमावस्या तदा योग कुंभ्यस्तीर्थ नायके बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है और 13 जनवरी 2025 सोमवार से 26 फरवरी 2025 बुधवार तक महाकुंभ का ये महासंयोग बन रहा है। ...2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद पूरी तेजी के साथ जारी है। महाकुंभ के लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी 384 विकास परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। 384 प्रोजेक्ट्स के लिए 7500 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। कुंभ को लेकर कुल 14 विभागों के प्रोजेक्ट कार्य चल रहे हैं। महाकुंभ के अतिरिक्त भी प्रयागराज को पर्यटन और यात्रियों की सुविधाओं के लिए संवारा जा रहा है। मिट्टी समतलीकरण के बाद मेले का जो औपचारिक तौर पर बसावट का जो काम है वो किया जाएगा। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अधिकारियों की कोशिश है कि महाकुंभ जिस तरीके से 2019 का दिव्य और भव्य था तो 25 का जो महाकुंभ है वो अपने आप में अनूठा और अनोखा हो। महाकुंभ को लेकर शासन प्रशासन और आम जनता के साथ साथ साधु संतों में भी उत्साह है। महाकुंभ की तैयारियों के बीच श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के रमता पंच के संतों का संगम नगरी प्रयागराज में आगमन हो चुका है। रमता पंच के संतों के आगमन के साथ ही जूना अखाड़े ने महाकुंभ में अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को रमता पंच के संतों ने रामापुर के रोकड़िया हनुमान मंदिर में अपने इष्ट देव दत्तात्रेय भगवान की विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा के बाद अपने अस्त्र शस्त्रों को स्थापित किया। रमता पंच जो है वो मेले में एक तरीके से कह सकते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत से पहले पहुंच चुके हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जूना अखाड़े के रमता पंच से जुड़े तमाम जो संत हैं वो पूजन अर्चन के बाद भगवान दत्तात्रेय को यहां पर स्थापित कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगर प्रवेश तक इसी जगह पर रमता पंच के संतों का डेरा रहने वाला है। यहीं से रमता पंच के संत महाकुंभ के कार्यों की तैयारियों में जुटेंगे और 3 नवंबर को पूरे लाव लश्कर के साथ हाथी घोड़े बग्घी रथों और पालकियों पर सवार होकर रमता पंच के साधु संत नगर प्रवेश करेंगे। 18 दिसंबर को भव्य पेशवाई यानी छावनी प्रवेश के जरिए मेला क्षेत्र में जूना अखाड़े के शिविर में आगमन होगा। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े ने अपनी रीति रिवाज के अनुसार शत पूर्णिमा पे यहाँ प्रथम पूजन किया, अपने रमता पंच को या देवी देवताओं को यहाँ विराजमान किया, स्थापित किया, उनकी पूजा की, अर्चना की और जिससे 2025 कुंभ का आगाज आज से प्रारंभ हो गया। 2025 प्रयागराज महाकुंभ के लिए इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। महाकुंभ का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर इस बार 4000 हेक्टेयर किया गया है। मेला क्षेत्र को कुल 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। इन सेक्टर्स में श्रद्धालुओं, तीर्थ पुरोहितों और अखाड़ों के साथ ही संत महात्माओं के शिविर लगाए जाएंगे। गंगा और यमुना की जलधारा पर इस बार 30 पांटून पुल बनाए जाएंगे।
श्रद्धालुओं को प्रमुख स्नान पर्व पर दिक्कतें न हो, इसके लिए दशाश्वमेध घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट समेत 7 पक्के स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। स्नान घाट पर महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम और यूरिनल का भी इंतजाम किया जाएगा। घाटों के निर्माण के लिए विशेष ध्यान दिया गया, 2 चरणों में है। आपने देखा होगा जो स्थायी घाट हमारे निर्मित हो रहे हैं वो 7 घाट करीब निर्मित हैं, 3 हमारे गंगा जी पे, 4 यमुना जी पे। इसके अलावा मेला क्षेत्र जो हमारा मेला बसावट होती है, तो हम लोगों ने इस बार घाट पे और सर्कुलेटिंग एरिया पे ज़्यादा फोकस किया है। अधिक से अधिक संख्या में घाट निकाले जाएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज में हो रही तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर के पहले फेज का काम महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए कराया जा रहा है। भव्य प्रवेश द्वार के साथ साथ अलग निकलने का भी द्वार बनाया जा रहा है। गर्भगृह के साथ ही परिक्रमा पथ भी बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले खुद सीएम योगी ने लेटे हनुमान मंदिर जाकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया और बजरंग बली की पूजा अर्चना की थी। लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि 2019 के कुंभ की भव्यता को भी लोग भूल जाएंगे और अगले साल होने वाले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियों के साथ कड़े नियमों को लेकर भी मंथन का दौर लगातार जारी है।